भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से रैली निकाली। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता कानून बनाए जाने पर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसे लागू नहीं करने पर ऐतराज जताया है। मध्य प्रदेश सरकार को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की मांग की है। रैली में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंडी साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष राजू परमार, रमेश पोपली, विजय पांडे, संतोष राय, शिव मालवीय, सत्यम तिवारी सहित मंडल अध्यक्ष रोहित पोपली उपस्थित रहे। अगर आप नहीं जागे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजावेगा और आपको मजबूर कर देगा ये कानून लागू करने के लिए, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो हमारे देश के शरणार्थी हैं उनको राहत पहुंचाने वाला है, वो उनको फायदा पहुंचाने वाला है। सी का पात्र बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज मोर्चा खोल दिया है, आज हमने आवेदन दिया है, कल हम निवेदन करेंगे, और नहीं तो फिर हमको सड़क पर आने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। आवश्यकता पड़ेगी तो धनाधन करके और हम इस नागरिक संविधान संशोधन बिल को पारित करवाएंगे। और इस प्रकार की ये जो दोनों यहाँ के विधायक भी है कमलनाथ, इसलिए उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और हम इसको सड़कों से लेकर और विधानसभा तक और इस विषय को पूर्ण जोर से उठाएंगे। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।